सारा राज्य रे त्रिस्तरीय निर्वाचन को लेकिन सबुठी माहौल गरम रही अनेक जगार अनेक प्रार्थी सामना को आसुंच कौटी शिक्षित युवक आसुंच तो कौटी आदिवासी अंचल युवक युवती मैंने निज अंचल विकास करने सामना को आसुंच वर्तमान आम कोरापुट जो बोरीगुमा अंचल रही आसिक पहुँची चुम से जड़े एमती प्रार्थी आगु सामना को आए 15 वर्ष धरी लोकंर समस्या को सरकार एवं प्रशासन सामना को आनी जड़े गणमाध्यम प्रतिनिधि आज सी आम सागर जोड़ी जाती सागर आलोचना करवा कि गणमाध्यम राजनैतिक महोल को पशिवार कौन उद्देश्य रही रंजन बाबू प्रथम आपन को स्वागत करी अर्गस को आपन जत 15 वर्ष धरी गणमाध्यम खबर प्रसारण करुते अनेक उपात अंचल बुली अनेक सहर को जानेक ग्रामांचल को लोकंर समस्या केमी रही ग्राउंड में ताकू निज आखिरे देखी किंतु अनेक जगार एवं भी अंचल विकास अपहंच अच्छी तो आप गणमाध्यम राजनीति ये गोटे हठात पर पक्षर उद्देश्य कौन रही हाँ देखु प्रथम कथा हूँ जेहेतु दीर्घ दिन धरी आम गणमाध्यम गोटे काम कलु एवं जो जो समस्या हो कि कौन सी दुर्नीति हो कि भ्रष्टाचार हो ताकु लोकलोचन को आनवा प्रशासनिक अधिकारी एवं सरकार को मध्यरे जो गोटे तारतम्य सृष्टि कर से कार्य हासिल करने जो प्रयास रखीलु देखिलु दीर्घ दिन पर बारंबार जेकोसी खबर प्रसारण है ना सरकार ना प्रशासनिक अधिकारी तत्परता प्रकाश पाने तो जदि लोकंर समस्या समाधान होबार अच्छी तो कौन आजिका डेट में कौन क्षमता निश्चय भाव में आवश्यकता रही जदि क्षमता थी हुए तो प्रशासनिक अधिकारी जो नियंत्रण रोब सरकार को सचेतन करने गोटे सुजोग मिले मु त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में निजक सामिल कर जो कुमली जोन रही साधारण वर्ग उपलब्ध रही आसन रु स्वाधीन प्रार्थी हिसाब से नामांकन पत्र दाखल कर अंचल अनेक जगह बुली अनेक जगह को जा जे जो शतकड़ा 70-80 भाग कोरापुट जिले में दुर्गम अंचल उपात अंचल रही तो सेठी प्रशासनिक अधिकारी माने आगुरु जाऊना अनेक एमती सरपंच होती जिला परिषद होती किंतु से अंचल विकास करना आ पक्षर कौन उद्देश्य रही हाँ देखु जी प्रथम कथा कह बरीगुमा ब्लॉक जो कुमली जोन रही जो जोन रु वर्तमान एक प्रार्थी पत्र दाखल कर जोन कथा जी कह से 12 पंचायतर 30,000 जनसाधारण को लेकिन 2011 जन हिसाब से बर्तमान रही आज जी कह आपर चंपापदर झांपड़ी पदर हो कि गरुड़ गच हो दुईट गाँ को जी आप जातु गाँ को आज पर्यंत गोटे रास्ता ना आउ पानी से जो माध्यम रही चुआ पानी से पीऊँच आउ सबकोटू आश्चर्य कथा हूँ वर्ष वर्ष धरी ना प्रशासनिक अधिकारी पाद पड़ी ना सरकारी बाबूंर से देखा मिलूँ तो ये जो समस्या रही समस्या किभली समाधान हो पार अस्त्र कर बर्तमान मुझे लोक मान आलोचना करमानर जो मत नहीं बर्तमान निर्वाचन रणांकन को उल्लेख आउ जदि कथा कह जो 12 पंचायत रही 12 पंचायत रे विभिन्न समस्या रही प्रथम कथा जदि कह 12 पंचायत रो जो 30,000 लोक रही जदि बैंकिंग व्यवस्था जदि कथा कह बरीगुमा ब्लॉक रे केवल गोटे SBI बैंक रही जो 3 लक्ष जमाकारी रही 12 पंचायत रो 1.5 लक्ष जमाकारी बैंकिंग व्यवस्था जदि पैसा उठेबा हो किंबा पैसा डिपोजिट करबा 60 किलोमीटर दूर रु बरीगुमा आसुछंती दिन तमाम तांगर पळौछि द्वितीय कथा होची ये जो कुमली जोन रही से अंचल होची गोटे कृषि भित्तिक अंचल विशेषकर प्याज चाष पे गोटे स्वतंत्र परिचय सृष्टि कर आज पर्यंत से चाषी को किभली सुविधा बिहन जोगा जीवा एवं जो फसल अमल ताकु ठीक दर में किभली चाषी बिक्री करेंगे ताप कौन व्यवस्था ना आ मांडी जो वर्तमान वर्ष वर्ष धरी ये मांडी परिचालित हो रबी चाष मांडी हो खरीफ चाष मांडी हो किंतु आज पर्यंत गोटे स्थायी मांडीर बंदोबस्त हो जोटा कि इंफ्रास्ट्रक्चर वर्तमान पर्यंत होनी कौटी धान तिंति जा तो कौटी धानी धान चोरी हो सब संकट में आज चाषी रही केवल प्रशासनिक ये कांग्रेस दुई दुई थर वर्तमान विधायक अच्छा से यार समाधान करी प्रतिश्रुति सेपटे 21 वर्ष धरी राज्य सरकार बीजेडी अच्छी किंतु आर समाधान करते निर्वाचन आसुला आप खबर प्रसारण करने को जाते अनेक प्रार्थी प्रतिक्रिया नहीं थे अनेक प्रार्थी जो रिएक्शन टा थी सी गोटे भिन्न साध रही बर्तमान आपड़ निजे निर्वाचन को ओल्लैंट एवं पुणी गणमाध्यम प्रतिनिधि मैंने जो मैंने आपयोगी थे से आप प्रतिक्रिया नौ तो ये गोटे अनुभूति केमती लगुच देखो आज्ञा प्रथम कर आम जो गणमाध्यम काम करूँ प्रतिक्रिया नौलू राजनीति हो कि कर्मी हो
ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେମାନେ ସଫେଇ ଦେଉଥିଲେ, ବାସ୍ତବ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସେ ଯୋଜନା କିଭଳି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା, ତାହା କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହୁଥିଲା, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ଷେପ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛୁ, ତ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ରାତି ଅଧିଆ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ରିମୋଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଯାକ ହେଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଲୋକ ସିଧାସଳଖ ତାର ଉପଲବ୍ଧ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଠି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ତାକୁ କିଭଳି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରାଯିବ, ସେ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ତାକୁ ବି ନେଇ କାମ କରିବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋରିଗୁମାର ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରହିଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ି ଗାଁ ରହିଛି, ସେଇଠି କେମିତି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବେ ବି ଫେଲ୍ ମାରିଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିନି, କେଉଁଠି ବିଜୁଳି କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ହେଉ, ତ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ବିକାଶ କରିବେ। ଜୟପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।